सो गाइस आज का ट्रिप स्टार्ट करते हैं जैसलमेर का यहाँ से, जो कि है मेरे घर से अराउंड 850 किलोमीटर का, विच इज गोना टेक मोर देन 13 आवर्स ऑब्वियसली, मेरे हाथ में सामान है। सो दो बच्चे कौन, कोई नहीं आया, उन बताऊंगी क्या हुआ फोन पे। अभी मेरी मुंह में दाढ़ की वजह से बोलने की हिम्मत नहीं है, मतलब दर्द की वजह से, क्योंकि सीट इतनी नीचे है। सुबह के 7:30 मैं अपनी जर्नी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। 3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं करे बिकॉज मेरे मुंह पे स्वेलिंग है, हाँ दाढ़ की वजह से भी हो सकती है ना, आई डोंट नो किस वजह स्वेलिंग है। क्या सब उठा लिया, मेरी मम्मी कह रहे दातुन कर लेना, उन्होंने दिया एक स्पेशल दातुन, स्वेलिंग चली जाए। सो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि 13.5 घंटे का रास्ता है, 850 किलोमीटर। लेट्स डू इट। सो गाइस मैं चढ़ चुकी हूँ ईस्टर्न पैराफेरल पे, और ईस्टर्न कनेक्ट होता है वेस्टर्न से। मैं जा रही हूँ ईस्टर्न हाईवे से, जो कि वेस्टर्न से कनेक्टेड है और जयपुर के आउटर सर्कल से निकलेगा। सो बेसिकली ये शॉर्टेस्ट वे है। अगर मैं आपको कहूँ गुड़गांव से भी शॉर्टेस्ट, हाँ ये गुड़गांव से भी शॉर्टेस्ट है। क्यों? क्योंकि गुड़गांव से भी मेरे को, अगर मैं आज देख रही थी तो मुझे शो हो रहे थे अराउंड लाइक 14 से 14.5 घंटे। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। वैसे होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। 3 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी जस्ट बिकॉज ऑफ मुँह में स्वेलिंग, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मुझे मोर देन 14 आवर्स लगने वाले हैं बिकॉज आई एम गोना टेक ब्रेक, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ऑब्वियसली 3 दिन का ब्रेक लिया था जस्ट बिकॉज मुंह में स्वेलिंग है बहुत सारे रीजन से, एंड जैसलमेर की सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम मैं जैसलमेर जा रही हूँ। मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, कैसे स्टे कर रही हूँ, कितना बजट है, कैसे जैसलमेर जा सकती हूँ अच्छी जगह। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप जैसलमेर में 200 के क्या 100 के बजट से आप यू नो 4-star 5-star प्रॉपर्टीज में, मतलब 100 के बजट में छोटे प्रॉपर्टीज से लेके बड़ी प्रॉपर्टीज में स्टे कर सकते हो। जैसलमेर में हर टाइप की प्रॉपर्टी है, एंड सबसे अच्छी मतलब चीज़ बताती है जैसलमेर की कि आपको एक डोमेट्री तक 250 रुपये में कोस्ट करती है विद ब्रेकफास्ट। सो हम देखते हैं जैसलमेर जाके कि कैसा है और कैसा नहीं है। मतलब मैं तो लेट नाइट पहुँचने वाली हूँ, तो कल के ब्लॉग में आपको जैसलमेर प्रॉपर देखने को मिलेगा। आज मैं रास्ता बताती हूँ, निसान में मेरे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, निसान मैग्नेट में मेरे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जस्ट बिकॉज इसकी क्या कहते हैं व्हील बैलेंसिंग हिल गई थी, टायर आगे से पीछे करे गए हैं, एंड आगे वाले टायर पीछे करे गए हैं, इसके टायर घिस चुके हैं जस्ट बिकॉज मैं पत्थरों पर चढ़ाती हूँ, मैंने पहाड़ों पर चलाई है लेह लद्दाख एंड ऑल पता नहीं कहाँ कहाँ पे। सो इसके टायर घिस चुके हैं, एंड इट्स टाइम कि 3,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर बीच में इसके टायर बदलेंगे। एंड ऑब्वियसली कोई मुझे लाइट स्पॉन्सर कर दो यार इस गाड़ी की, मुझे समझ नहीं आता इतनी महंगी लाइट में कैसे लगवाऊँ जस्ट बिकॉज मेरे से सारे पेट्रोल में चला जाता है यार। सो मैं चढ़ चुकी हूँ वेस्टर्न पैराफेरल जो ईस्टर्न से कनेक्टेड है, और मैं आपको इसकी खासियत बताती हूँ, इसकी रोड सच में बहुत अच्छी है। टोल टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ेगा, मैं आपको प्रॉपर टोल टैक्स रात तक कैलकुलेट करके बताऊंगी कि मुझे कितना पड़ा, पर इसकी रोड बहुत अच्छी है और साइड का व्यू भी बहुत प्यारा है। सो चुरू जयपुर सालसर बीकानेर, बीकानेर 288 है अराउंड, मतलब मैं हाफ रास्ता क्रॉस कर चुकी हूँ क्योंकि 500 था मॉर्निंग में बीकानेर, एंड मतलब मुझे अराउंड 700 किलोमीटर नियरबाय जाना है, अभी भी नहीं 600 समथिंग क्योंकि 850 था तो किलोमीटर्स कम हो चुके हैं। बट यहाँ बहुत गर्मी है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ बट यहाँ बहुत गर्मी है। आई शेयर द प्लेस अभी क्योंकि जयपुर भी दूर है, तो आई थिंक सो ये कौन सी जगह, यहाँ कहीं बोट्स भी नहीं लगे हुए, इवन दो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इट्स झूपना इट्स झूपना, मैं झूपना में हूँ, मैं झूपना में हूँ गाइस, भूपा झूपना, हाँ झूपना। तो यहाँ पे एक स्टेशन है झूपना का छोटा सा, मैं राइट साइड पे मैं पहुँच चुकी हूँ हाईवे नंबर 6 पे, नेशनल हाईवे 6 पे सीधा 52 से, एंड पता है पूरा उजड़ा हुआ जंगल टाइप्स है, मतलब ऑब्वियसली राजस्थान से आप क्या उम्मीद रख सकते हो, मतलब इट्स ब्यूटीफुल इन देयर ऑन वे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो मैं ऑब्वियसली दिल्ली जैसी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट पेट्रोल से ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है क्योंकि एसी बहुत चल रहा है इस वक्त। मैंने टेम्परेचर कर रखा है निसान का सेट, मतलब आई मीन मेरी एसी का सेट, नॉट निसान का, मैंने सेट कर रखा है 23 पर, वो
be automatic, so it's like more. मेरे को तो मेरा पैनल चला रहा है. So मैंने निसान का टेम्परेचर सेट कर रखा है 23 पर एंड अभी बहुत ज़्यादा मतलब यू नो इट्स लाइक ऑटो कंजप्शन बट मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं कभी वो वर्ड्स ही नहीं होते ब्लॉग में बोलने के लिए हद ही नहीं हो गई है. सो मतलब कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है पेट्रोल का इन शॉर्ट. और बाहर नज़ारा देखना है अच्छा है लाइक इट्स ब्यूटीफुल बट थोड़ी सी अगर ठंड होती तो मतलब थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता. बट नेक्स्ट चीज़ बताऊँ दिस इज़ लाइक बेस्ट टाइम टू कम. आप मार्च के मतलब मार्च में नहीं आ सकते यार. मार्च में बहुत गर्मी पड़ जाती है एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे जब उदयपुर जाना था तो मेरा कितना पेट्रोल लगा था. मैं भाग रहे थे 2 मिनट पहले. सो मेरे साथ आप पहुँच चुका है यहाँ पे एंड मेरी गाड़ी में डीजल डल गया है पेट्रोल की जगह. अगर मैंने घर पे फ़ोन कर दिया मेरी बैंड बच जाएगी तो मैं पहले ये लोग मुझे रिमर्स कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम पूरा डीजल निकालेंगे पूरे इंजन से प्रॉपर पीछे से कहीं नीचे से निकलेगा एंड आई मीन आई एम नॉट श्योर वो ये लोग कैसे करने वाले हैं एंड ये पूरा डीजल निकालने के बाद फिर पेट्रोल डालेंगे. सो इस वक्त जो मतलब पूरा टैंक है वो क्लीन हो रहा है एंड पूरा डीजल निकलेगा और पेट्रोल मिक्स निकलेगा है ना. आपको तो कोई काम का नहीं रहेगा ये. हाय ये रे बहुत गंदा नुकसान होता है. आपकी वीडियो बन रही है? हाँ जी. यूट्यूब पे डालेंगे? हाँ ये यूट्यूब पे जाएगी. कि यहाँ पे ऐसे काम कर रही है. अरे So guys, ये कुछ और नहीं है पेट्रोल गिर रहा है इतना सारा डीजल और पेट्रोल में. इधर से तो लग जाएगी इधर से लग जाएगी इधर से लगा दो बाल्टी को लगा तू अपने ये तास को कट कर ही बाल्टी खाली हो गई. माय गॉड सारा तेल निकल गया बढ़िया काम हो गया. सो गाड़ी का पूरा इंजन खुल चुका है यहाँ से पूरा पेट्रोल के पेचेस बाहर है और टायर निकल चुका है. बताओ निसान की ये भी हालत हो सकती है एंड पेट्रोल के साथ डीजल भी निकल रहा है पूरा टायर निकाल दिया है एंड क्या कह रहे हो मैं फेमस हो रहा माय गॉड भैया फेमस ही हो रहे हो. मैंने मन पे खुला मैं आज जाएगी वीडियो हो गई आज रात में है आज रात में है तो फिर मन नहीं कह रही है यार. राम 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 दस लो डंगो का नहीं है धार कर दस लो डंगो का नहीं है स्टेशन एंड पीपल आर हेल्पिंग मी आउट ऑब्वियसली सारा का सारा कचरा निकालने के लिए गाड़ी से. Obviously that is much needed. आज seriously 2 घंटे ख़राब हो गए बट ओके रात को जैसलमेर पहुँच ही जाएंगे रास्ता प्लेन है. तो गाइस ये निकल गया है टैंकी फाइनली जितना बचा हुआ था टैंकी का वो निकल गया है बाहर. अब भैया फूंक मारेंगे टैंकी को.
कितनी टैंकी है, कितने लीटर की है ये? ये 40 के आसपास की है। 40 के आसपास गाइस ये होती है टैंकी। मैंने फर्स्ट टाइम टैंकी देखी है गाड़ी की। निशान इस बार तो आपकी गलती नहीं है, मैंने निशान को क्या बोला तो मेरी गलती है। सो यू नो गाइस, मतलब मुझे आज पता चला कि अगर यू नो ऐसा कुछ होता है ना तो अपना इंजन उसे टाइम बंद कर दो। सो एंड में फूक मारनी पड़ती है अंदर की तरफ पूरा पेट्रोल निकालने के लिए। बंद करिए एक मिनट, मैं लास्ट प्रोसीजर होता है इसका। सो अगर आप कहीं फंस जाओ इस तरीके से, सो कीप रिमेंबर कि दिस इज द लास्ट प्रोसीजर। हम चलते हैं, अब हमारा सारा सामान लगेगा, नीचे सब निकल चुका है। मार के ब्रेक करो, तेल स्टार्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपके सर्विस सेंटर का भाई? विश्वकर्मा टेंटिंग। तो गाइस राजस्थान से जो देख रहे हो इन्होंने हेल्प करी है, और थैंक यू सो मच ये एसआर पेट्रोल पंप वाले भैया जिन्होंने इतनी मेहनत करी है दोनों ने। इनको कहाँ हो जाता है कभी कभी, हमसे भी गलतियाँ हो सकती है, बट ये तो ब्लंडर थी। बट मुझे कुछ नया सबक सीखने को मिला इससे, मैंने भी कुछ सीखा है आज। 2 घंटे डिले है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बट हम पहुंच जाएंगे सून। लेट्स ट्रेन बैक टू लॉक। ओके जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा ये जगह पूरी गर्म हो जाएगी गंदी तरीके से। सो इट्स लाइक 6 PM और हम पहुंचे हैं बाप विलेज के पास, BAAP, मतलब मैं और मेरी गाड़ी। यहाँ से गजनेर कटेगा लेफ्ट से। जब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मैं मोस्टली गाड़ी को हम बना देती हूँ। और सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा ढलता हुआ। या अगर तुम कलर्स नोटिस करोगे ना, आप लोग कलर नोटिस करोगे तो देखो ऊपर क्रिम्सन लेक, पर्शियन ब्लू, लेमन येलो, कोबाल्ट। अब मैं कलर्स के नाम ले रही हूँ बिकॉज पेंटर हूँ ना। इट्स लाइक येलो ऑरेंज ब्लू मिक्स है सारे। अब डेस्टिनेशन अभी 4.5 घंटे की और बची है, सो लेट्स मेक इट बाय टुडे, क्योंकि यार अभी तो बहुत टाइम बाकी है। गाड़ी की स्पीड पर देखना, कभी कभी तेज हो ही जाती है। हाईवे इतना अच्छा है यार, पता नहीं चलता कि सालासर का हाईवे है लोग कहते हैं। एंड ये मतलब स्टार्ट होते ही अगर आप गजनर और ये सारी जगह जा रहे हो तो ये हाईवे बीच में पड़ेगा ही, और अगर जैसलमेर बाय रोड जा रहे हो तो ये हाईवे बहुत सही है। हाँ मेरी पेट्रोल की टैंकी सही है और मेरा गाड़ी सही चल रही है, ऐसा कोई वार्निंग साइन भी नहीं आया। सो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ प्रीटी कूल और एवरेज भी अच्छी दे रही है। द प्रॉपर्टी एंड अभी हो रहे हैं 10:30, मतलब मैं पहुंची हूँ 10:30 बजे करीब अपनी प्रॉपर्टी पे। दैट इज़ वोबिन सफारी एंड इट वॉज लाइक अमेजिंग। लाइक ड्राइव करते करते मैं थक गई, मैं सच में थक चुकी हूँ। इट वॉज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। आज मेरे को डोमेट्री में, मैं आपको डोमेट्री दिखाऊंगी इनकी एंड बाकी के लिए मेरी रील्स देख सकते। सो यहाँ रात का स्टे है एंड आई एम गोना एंड इट लाइक राइट हियर एट द विंडो। Thank you so much for the water, bhaiya. So guys, I'm going to see you tomorrow with the next vlog and hope you like the journey and the place. I'm going to see you tomorrow. Thank you so much for watching. See you tomorrow with the new vlog and tomorrow I'm going to show you. Jaisalmer, you know, I'm one last thing. My room ke bahar na, the view hai na, this is the fort of Jaisalmer and I'm so happy about it.